नमस्कार, पुरवैया ब्रेकिंग देख रहे हैं आप और मैं हूं रश्मि शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में सीरियल बम ब्लास्ट में 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये बम धमाका मध्य जकार्ता के में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के पास हुआ है। जकार्ता पुलिस ने बताया है कि इस हमले में 10 से 14 हमलावरों के शामिल होने की आशंका है। ये हमला जिस जगह पर हुआ है वहां पर कई देशों के राजनयिक कार्यालय हैं। तो इंडोनेशिया के राजधानी जकार्ता में सीरियल ब्लास्ट की खबर मिल रही है और इस ब्लास्ट में 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। फिलहाल कई लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। तो बता दें आपको कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट में 6 लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है इस वक्त। यहां बता दें आपको कि ये बम धमाका मध्य जकार्ता में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के पास हुआ है। जकार्ता पुलिस ने बताया है कि इस हमले में 10 से 14 हमलावरों के शामिल होने की आशंका है। इधर भारत और पाकिस्तान के बीच 15 जनवरी को प्रस्तावित विदेश सचिव स्तर की वार्ता टलने के आसार हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। शाम 4 बजे होने वाले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत टलने का औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। फ्रांस के दौरे पर गए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के दिल्ली लौटने पर पाकिस्तान से बातचीत को टालने की घोषणा हो सकती है। माना जा रहा है कि डोभाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस संबंध में औपचारिक जानकारी देंगे। इस वक्त बेगूसराय से एक बड़ी खबर मिल रही है जहां 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। बदमाशों के पास से पिस्टल भी पुलिस ने बरामद किए हैं। नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त बेगूसराय से जहां पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तो राजीव रंजन इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राजीव, क्या जानकारी मिल रही है, पुलिस को कैसे मिली ये कामयाबी? देखिए, पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि 2 अपराधी हैं जो किसी वारदात को अंजाम देने के लिए एक जगह पर खड़े हैं। पुलिस ने उस गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी की और उसके पास से एक लोडेड पिस्टल भी बरामद किया और दोनों को हिरासत में लिया। जी राजीव, फिलहाल पूछताछ चल रही होगी दोनों बदमाशों से, क्या कुछ खुलासा किया उन्होंने, क्या आप बता सकते हैं इस वक्त? देखिए, अभी इसका खुलासा नहीं किया है पुलिस ने कि किन आपराधिक वारदातों के लिए ये जमे हुए थे। यह कुछ क्षणों के बाद ही पता चल पाएगा कि इस मामला पूरा क्या था। जी, तो फिलहाल पुलिस ने जिन 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है उनसे लगातार पूछताछ हो रही है, जल्दी खुलासे हो सकते हैं किसी और मामले की वजह। फिलहाल इन जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका। इधर भागलपुर में ट्रैक्टर पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई है जबकि 4 लोग इस हादसे में जख्मी हुए हैं। जगदीशपुर के सलेमपुर मोड़ के पास यह हादसा हुआ है। घायलों को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के शिकार सभी लोग खेतीहर मजदूर बताए जा रहे हैं। मजदूरी में मिले धान के साथ वापस अपने गांव बांका के चौधरी वासा लौट रहे थे और इसी बीच ये हादसा हुआ। अचानक पिकअप वैन के आ जाने की वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ है। तो हादसे के शिकार सभी लोग खेतीहर मजदूर बताए जा रहे हैं। तो संवाददाता अजय जुड़ चुके हैं इस वक्त भागलपुर से फोन लाइन पर। अजय, कैसे ये हादसा हुआ, फिलहाल अपडेट्स क्या दे रहे हैं आप? जी, मैं आपको बता दूं कि ये बांका से माका मजदूरी करने के लिए गए हुए थे और वापस जो मजदूरी में इन्हें धान मिला था वो ट्रैक्टर पर लोड कर वापस अपने गांव इस्माइलपुर जा रहे थे। इसी दरमियान जगदीशपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर मोड़ के पास सामने से एक पिकअप वैन आ रही थी जिसे बचाने के क्रम में वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए और ट्रैक्टर पलट गया जिससे मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 घायल हो गए। ट्रैक्टर में कुल 9 लोग सवार थे, बाकी जब ट्रैक्टर पलटने वाला था वो उस पर छलांग लगाकर वो बच निकले थे। 4 घायल हैं जिनसे मारने के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज चल रहा है जबकि मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई थी। जी अजय, फिलहाल जो लोग जख्मी हुए हैं उनकी हालत कैसी है? जी, जख्मी के 4 जो घायल हैं उनकी हालत में अब सुधार है और ये भी बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति जो वो इस्माइलपुर के रहने वाले हैं उनकी हालत कुछ नाजुक बनी हुई है। जी तो कुल 4 लोग इस हादसे में जख्मी हुए हैं जिनमें से 1 की हालत नाजुक बताई जा रही है जबकि 3 की हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। आप नजर बनाए रखिए अजय, अपडेट्स के लिए जुड़ेंगे आपके साथ।
इस बीच मधुबनी से भी एक बड़ी खबर मिल रही है, हादसे की खबर मिल रही है जहां ट्रक और बस की सीधी टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई है जबकि 15 लोग इस हादसे के दौरान जख्मी हुए हैं जिनमें से 5 की हालत बेहद ही नाजुक बताई जा रही है। उन्हें इलाज के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि कुहासे की वजह से फुलपरास बाजार के पास ये हादसा हुआ। NH 57 पर ट्रक किनारे खड़ा था और बस सहरसा की ओर से जा रही थी और कुहासे की वजह से बस चालक को ट्रक दिखाई नहीं पड़ा और बस ट्रक के पिछले हिस्से से जा टकराई। तो 15 लोग जख्मी हुए इस हादसे के दौरान, 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है और 4 लोगों की मौत हुई है। तो संवाददाता बिंदु भूषण ठाकुर जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन पर मधुबनी से। बिंदु, फिलहाल अपडेट्स क्या है आपके पास इस हादसे को लेकर? जी रश्मि, ये घटना हुई है, इसमें 5 लोगों को दरभंगा DMCH रेफर कर दिया गया है जिसमें एक की स्थिति काफी नाजुक है, अभी भी उनकी बेहोशी की स्थिति में वो है और 10 लोगों का इलाज सदर स्थानीय अनुमंडल अस्पताल फुलपरास में जारी है और वो अभी वो खतरे से बाहर है। ये लोग फिलहाल अभी वहाँ में राहत बचाव कार्य में लगी हुई है पुलिस और घायलों मृतक जो 4 लोग हैं उनका पोस्टमार्टम हो चुका है। जी, जो मृतक है उनका पोस्टमार्टम हो चुका है और जो घायल लोग हैं उनका इलाज चल रहा है अस्पताल में। फिलहाल इन जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोतिहारी से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है जहां स्कूल में मिला एक युवक का शव। राजकीय कन्या मध्य विद्यालय अरेराज की यह घटना है जहां स्कूल के कैंपस से एक युवक का शव बरामद हुआ है। श्याम लाल के रूप में शिनाख्त की गई है युवक के की। बता दें आपको कि हेडमास्टर ने पुलिस को सूचना दी है इस बाबत। तो स्कूल में एक युवक का शव बरामद हुआ है। राजकीय कन्या मध्य विद्यालय अरेराज की ये घटना बताई जा रही है। शिनाख्त हो चुकी है शव की, श्यामलाल के रूप में शिनाख्त हुई है। तो बता दें आपको कि इस बात की सूचना खुद स्कूल के हेडमास्टर ने पुलिस को दी। तो बड़ी खबर है इस वक्त जहां स्कूल कैंपस से एक युवक का शव बरामद हुआ है। श्यामलाल के रूप में शिनाख्त हो चुकी है युवक के शव की। हेडमास्टर ने पुलिस को इस बारे में पूरी सूचना दी। चले बढ़ते आगे दूसरी खबर की ओर। रांची में हरमू के अरगोड़ा मैदान में पतंगोत्सव का आयोजन किया गया। इस पतंगोत्सव में हिस्सा लेने के लिए सीएम रघुवर दास भी पहुंचे हैं। इस पतंगोत्सव में नमो पतंग की काफी धूम देखी जा रही है। इस पतंग पर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम रघुवर दास की तस्वीर लगी हुई है। चलिए आपको सुनाते हैं कि इस पतंगोत्सव के दौरान सीएम रघुवर दास क्या बोल रहे हैं। 2 डिग्री हमें कम करना, ये और जो करना आए हैं, तो हम सभी झारखंड वासियों को पर्यावरण पर विशेष चिंता करने की जरूरत है। अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, पानी को अधिक से अधिक हम रोकें। ये आजकल प्रचलन चल गया कि हर जगह ढलाई रोड, तो ढलाई रोड अब ना बनाकर फेबर ब्लॉक का बस्तियों में मोहल्लों में सड़कें बनाए, इंटरलॉक कर दे ताकि बरसात का पानी भी जमीन के अंदर जाए। ये सोच हम सबको आने वाले समय में लाने की जरूरत है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं इस मकर संक्रांति में पतंग उत्सव का भी विशेष महत्व। ये हमारी जो संस्कृति है प्राचीन काल से चली आ रही है और पतंग उत्सव कोई ये 2-4 वर्ष का नहीं है, ये वर्षों से चली आ रही है। जब मैं भी बच्चा था, हम बहुत गरीब परिवार से आते हैं, हमारे पिताजी खलासी थे, तो मैंने भी काफी पतंगे उड़ाई। लेकिन उस समय हमारे पास लटाई जो है खरीदने के पैसे नहीं थे, तो दतवन से हम लोग उसका लटाई बनाते और सूत्री जो सूत्री है गोल कांच का पीस कर उसका सूता हम लोग बनाते थे और कभी कभी हाथ कट भी जाते थे और काफी पतंगे हमने उड़ाई। लेकिन अब हम देखते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो हमारा पतंग उत्सव की जो संस्कृति है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है। निश्चित रूप से समाज को इस पर चिंतित होने की जरूरत। हम कितनों भी ऊंचाई में जाएं, हमें एक दिन नीचे आना है। इस बात का हर लोग को, चाहे आप मंत्री हो, संतरी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कितने भी ऊंचे पद में जाएं,
हमें अपनी संस्कृति नहीं भूलनी, यही हमारी पहचान है, हमारी परंपरा हमें नहीं भूलनी चाहिए, यही हमारी पहचान है। आज भारत कभी विश्व गुरु बना था तो हमारी संस्कृति के कारण, हमारी परंपरा के कारण, हमारी साहित्य के कारण, और हमने 14 तारीख को ही स्वामी विवेकानंद की हम सबने जयंती मनाई, जिन्होंने दुनिया को एक अपनी इस हिंदू संस्कृति के बारे में एक संदेश देने का काम किया। इस संस्कृति को हमें अछून रखने की जरूरत है। और पतंग उत्सव सिर्फ उत्सव नहीं है, अगर हम चाहें तो इस पतंग उत्सव को एक कुटीर उद्योग का दर्जा भी दे सकते हैं, क्योंकि इस पतंग में बांस की जरूरत पड़ती है, गोंद की जरूरत पड़ती है, लटाई में भी लकड़ी की जरूरत पड़ती है, कागज की जरूरत पड़ती है, और बांस हमें कहीं से खरीद के लाने की जरूरत नहीं है, बांस हमारा झारखंड में ही उपज होती है। संथाल परगना के अब क्षेत्रों में जाए तो वहां बांस की काफी पैदाइशी होती है। इस तरह अगर हम सब चाहें तो कुटीर उद्योग के रूप से, और जो हमारा पर्व त्योहार सिर्फ उत्साह उल्लास नहीं, हमारे पुरखों ने इस पर्व त्योहार में ऐसी व्यवस्था की है कि गरीब लोग को रोजी रोटी मिले। इससे पतंग उत्सव को हम सिर्फ रांची नहीं, झारखंड के हर कोने में पतंग उत्सव इस तरह का मनाया जाए, ताकि उत्सव और संस्कृति के साथ साथ जो हमारे समाज के गरीब तबके के लोग हैं उसकी भी आर्थिक रीति से उसकी रोटी रोजी की चिंता हो, ये उत्सव हमें संदेश देता। मुझे पूर्ण भरोसा है कि आने वाले वर्ष में हम झारखंड के हर कोने में मकर संक्रांति के अवसर पर ये पतंग उत्सव मनाएं, और उत्सव के साथ साथ इसमें इसकी जो मैन्युफैक्चर है, जो पतंग झारखंड की धरती में बने, जहां हमारे गरीब तबके के लोग को उस पतंग के माध्यम से रोजी रोटी मिल सके, ये सोच भी हमको आज एक डेवलप करना है। इन्हीं शब्दों के साथ जो बातें संजय सेठ जी ने कही उसमें हमने ऑलरेडी विभाग को आदेश दे दिया है। मुझे पूर्ण भरोसा है कि 3-4 महीने के अंदर, क्योंकि जमीन एक्विजिशन का काम है, पूर्ण होने के साथ ही वो सड़क निश्चित रूप से बननी शुरू हो जाएगी।